उत्तर प्रदेश के अमरोहा में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने मौलाना जावेद आबदी को मैदान में उतार दिया है, जिसके चलते आज शुक्रवार को जावेद आबदी पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के साथ नामांकन करने पहुंची। नामांकन दाखिल के बाद मीडिया के सवालों पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलों वाली पार्टी, वहीं बसपा को भाजपा का एजेंट बताया और निशाना साधते हुए कहा कि बसपा पैसे लेती है और वोट खाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज गया है, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं अमरोहा जनपद में होने वाली विधानसभा उपचुनाव में फिर से मैदान में उतारा है, जिसके चलते उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन भरा। इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने हाथरस कांड पर जयंत चौधरी पर हुई लाठीचार्ज को लेकर कहा कि अब क्रांति आएगी और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान और धन्ना सेठों को नवाजा जा रहा है। लोकसभा 2019 में हुए सपा बसपा गठबंधन के सवाल पर बोलते हुए कहा कि कभी कभी बहुत बुरी चीज को हटाने के लिए कम बुरी चीज से हाथ मिलाना पड़ जाता है, इलाज करने के लिए कड़वी गोलियां भी खानी पड़ती है। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि नवा सादात विधानसभा में 3 नवंबर को जो चुनाव हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी को जब जब अपने हारने का यकीन हो जाता है तो वो अपनी बी टीम बहुजन समाज पार्टी को साथ में खड़ा करती है, लेकिन हम 3 नवंबर को इस बार ए टीम को भी साथ में हराएंगे और बी टीम को भी साथ में हराएंगे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो रणनीति है, जो काम करने का तरीका है, वो पहले काम करके दिखाते हैं फिर बताते हैं। हमारी सरकार फीते नहीं काटती, हमारी सरकार धरातल पे काम करती है। आपने देखा होगा कि हमने अपनी सरकार में अमरोहा से नौगावा सड़क बनवाई, नौगावा से धनौरा बनवाई, तहसील बनवाई, ब्लॉक बनवाया और इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया कि बाहर के विदेश के लोग भी आके नौगावा सादात की तारीफ करते हैं। और अधूरे जो हमारे ख्वाब थे, सपने थे, वो भी हम बहुत जल्दी सरकार बनते ही पूरा करेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनाया जाएगा और हर 10 किलोमीटर पर पूरी विधानसभा में हम कॉलेज बनाएंगे लड़कियों का, और हर 10 किलोमीटर पे लड़कों का डिग्री कॉलेज बनाएंगे। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इंडस्ट्री लेके आएंगे ताकि हमारे बेरोजगारों को यहाँ पर घर में ही रोज़गार मिल सके। किसानों की अनदेखी हुई है, 1947 से लेकर आज तक किसी भी सरकार में किसानों ने इतनी आत्महत्या नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने आत्महत्या की है। दुगना इनकी आय, इनकी मेहनत का दुगना का वादा करके आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिवाय खुदकुशी करने के इस अन्नदाता को अब कोई और रास्ता नहीं रह गया है। कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा। जितना ये सरकार की योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे धन्ना सेठों को और धन कमाने के रास्ते हमवार कर रही हैं। इसलिए हम अपने नौगावा सादात विधानसभा में जीतने के बाद हमारी 2022 में सरकार होगी तो ये सरकार किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, वंचितों की, डिप्राइव लोगों की सरकार होगी। इसलिए कि हम किसानों के लिए लड़ेंगे और जो ये गठबंधन बना है वो गठबंधन भी किसानों की ही पार्टी का है। समाजवादी पार्टी भी किसानों की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों की पार्टी है और महान दल भी किसानों के हक में खड़ी हुई है। इसलिए हम सब आने वाली सरकार किसानों की सरकार होगी। मुख्यमंत्री जी, अभी जो हाथरस वाले जो मनीषा कांड के बारे में क्या कह रहे हैं, वहाँ पर जो जयंत चौधरी साहब की पुलिस ने लाठी भाजी है और इस तरीके का मामला ऐसा सामने आया जो ऐसा है, जब कोई सच की आवाज़ उठाने के लिए जिस पर लाठी बरसाई जाती है। साइमन कमीशन जब आया अंग्रेजों के ज़माने में तो लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बरसाई और लाठियाँ बरसाने के बाद वो लाला लाजपत राय शहीद हो गए, लेकिन उसी लाठी बरसाने के बाद एक नई क्रांति पैदा हुई जिससे भगत सिंह पैदा हुए, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए, जिससे अशफाकुल्ला पैदा हुए। बिल्कुल जिस तरह लाला लाजपत राय पे साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लाठी चार्ज की गई थी और उसकी कोख से क्रांति ने, नई क्रांति ने जन्म ली। जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत के वारिस हैं जो उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई हैं,
बिल्कुल लाजपत लाला लाजपत राय की शहादत के बाद और लाठियां चार्ज करने के बाद जो क्रांति पैदा हुई, उसी तरह से जयंत चौधरी जी पे जो लाठियां चार्ज हुई हैं एक नई क्रांति जन्म लेगी और वो किसानों की आवाज़ उठाएगी, वो मजदूरों की आवाज़ उठाएगी और वो 2022 में सरकार बनाकर किसानों की खुशहाली के रास्तों को हमवार करने का काम करेगी। अच्छा मंत्री जी, लास्ट सवाल रह गया, बीजेपी से आप अपना जो है वो मानना है, जो बीजेपी मुकाबला बीजेपी से भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी आज आखिरी दिन एक दिन पहले तो उनकी समझ में ही नहीं आया था कि हम चुनाव लड़ाएं या नहीं लड़ाएं, इसलिए दो दिन पहले तो उन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है। हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है, हमारी लड़ाई किसानों पर होने वाले जुल्म से है। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं मैदान में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी उसकी बी टीम है। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनाव के हारने का यकीन होता है, वो अपनी बी टीम को कुछ ना कुछ साजिश करके खड़ा कर देती है, लेकिन हम 3 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ए टीम को भी हराएगी और बी टीम को भी हराएगी। जैसे आप अभी आपने बताया कि बसपा जो है वो इसकी बी टीम है भाजपा की, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में तो आपका खुद का गठबंधन मिलता है। आप देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक बुरी चीज़ होती है, एक बहुत बुरी चीज़ होती है, तो कभी कभी बहुत बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बुरी चीज़ को अपनाया जाता है, कभी कभी कुछ इलाज करने के लिए कड़वी गोलियाँ भी खाई जाती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.